हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ और मैं अभी कहीं निकल रही हूँ, कहीं सफ़र पे। तो आगे का आपको ब्लॉग मेरा सफ़र का मिलेगा। तो बस अब निकलने की तैयारी में तैयार हो चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ, बस अब निकलने जा रही हूँ। तो बाकी रास्ते का मज़ा लिया जाएगा और आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है? तो और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। अब बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, बहुत अच्छा आपको व्यू दिखने वाला है। तो थैंक यू, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ पे हम रुके हैं CNG वगैरह भरवाने के लिए। मंजिल खूबसूरत हो ना हो पर रास्ता खूबसूरत होना चाहिए, और जिस रास्ते पे प्रियंका निकली हैं वहाँ की मंजिल तो खूबसूरत है ही है, बट साथ ही साथ उसके जो है ना रास्ता बहुत खूबसूरत है। और एक तो दो चीज़ें, दो फैक्टर हैं, एक तो रास्ता खूबसूरत होना, दूसरा उसकी फ़ोटोग्राफी अच्छी लगना। तो प्रियंका तो अच्छे रास्ते पर ली गई है, उसकी फ़ोटोग्राफी बहुत सुंदर ली है, जिसकी वजह से जो है चीज़ें बहुत खूबसूरत दिखती हैं, बहुत खूबसूरत लुक निकल के आता है। मौसम हो या रास्ता हो, और वैसे भी बरसात का मौसम हो तो अगल बगल की हरियाली, ये सब चीज़ें जो है बहुत सुंदर दिखती हैं। सो एंजॉय करिए इस रास्ते को और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा इस रास्ते को देखिए। तो अभी हम लोग अपने मंजिल से कुछ ही दूर हैं, बहुत ही जल्दी मुझे लग रहा है 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। अब आप लोग गेस करना कि हम कहाँ जा रहे हैं, मैं अभी बताने वाली नहीं हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आप लोग बताना कमेंट करके कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए सुन, अभी हम लोग, मैं घर से खाना लेके आई थी, पराठे लेके आई थी, तो मैंने बना लिया उसको, मतलब खा लिया था रास्ते में, कहीं रुके नहीं, खाने के लिए नहीं रुके। अभी यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह के लिए। देखो सीन, देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा है। बस रास्ते में ऐसे ही रुक गए थोड़ा सा, मौसम देखिए कितना अच्छा, मंजिल से बस कुछ ही दूर है, यानी 2 घंटे और लगेंगे, अपनी मंजिल से दूर है, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बस मुझे लग रहा है कि 8 बजे तक पहुँच जाएंगे हम, और उसके बाद फिर मिलते हैं, तब आपको पता चलेगा हम कहाँ पहुँचे हैं। तो आप नज़ारों का मज़ा लीजिए, ठीक है, और धीरे 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 हमारे साथ आगे बढ़िए। अब आप सोचो, अंदाजा लगाओ कि अगर आपको यहाँ से इतना खूबसूरत दिख रहा है व्यू, तो आगे चल के कितना अच्छा होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना अच्छा व्यू है उतना ही अच्छा व्यूज भी आए हमारे वीडियो पे, ठीक है? तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आगे अभी और कुछ, बहुत कुछ बाकी है। इस रास्ते पर आते हैं तो क्या आपको एक गाने के बोल याद नहीं आते हैं कि दिल करे रुक जा रे रुक जा यहीं पर कहीं, जो बात इस जगह पर वो कहीं पर नहीं। बहुत खूबसूरत रास्ता, बहुत खूबसूरत। ये देखो कद्दू के फूल, इतना कद्दू लगा है, इतना कद्दू लगा है ना, देख के लालच लग रहा है कद्दू के फूल को। इसकी पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है। देखो ये है कद्दू का फूल, बहुत सारे हैं, देखो ना बहुत सारे हैं, देख के लालच लग रहा है, मन कर रहा है ना ले लूं, पकौड़ी उकड़ी बना के खाऊंगी। देखो ये देखो इतना सारा है यार, मन कर रहा ना इसको पकौड़ी बना के ऐसे खाया जाए। आप लोग खाए हो कि नहीं कभी कद्दू के फूल की पकौड़ी? ये देखो अभी हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए कहीं, 2 गाड़ी अभी पीछे है हमारी, ठीक है, 2 गाड़ी पीछे है और अभी एक यहाँ रुके हैं चाय पीने के लिए। ये है नज़ारा, अभी मतलब ऊपर चढ़ेंगे देखते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। कल के वीडियो में फिर से मिलेंगे नए
नई शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। तो जिन लोगों ने भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।